अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक और रेसिपी के साथ मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की हमारी रेसिपी है पिज़्ज़ा ऑमलेट। लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा ऑमलेट बनकर रेडी है। ओह सॉरी, आपको रेसिपी तो बताई नहीं। चलिए हम फ्लैशबैक में जाते हैं और मैं आपको सारी रेसिपी बताती हूँ। पिज़्ज़ा ऑमलेट के एक्सपर्ट बनने के लिए आपको ये रेसिपी शुरू से एंड तक लाजमी देखनी होगी, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ये सब फॉलो करें और आप भी पिज़्ज़ा ऑमलेट के एक्सपर्ट बन जाएं। मैंने ये रेसिपी कल आपसे शेयर करनी थी, लेकिन संडे की मसरूफियत की वजह से कल मैं ये नहीं कर पाई, सो मैं आज आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलें हम स्टार्ट करते हैं। चले अब हम आते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। हमें चाहिए अंडे, कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए टमाटर, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा। अब हम एक बाउल में अंडे ऐड करेंगे और उसे अच्छे से फेंटेंगे, जैसे हम बच्चों को फेंटते हैं। नाश्ते में ये सबसे मज़ेदार और आसानी से बनाए जाने वाला ऑमलेट है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज और उसे अच्छे से फेंटेंगे, और इसमें ऐड करेंगे टमाटर, कटी हुई हरी मिर्ची और कटा हुआ धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा। और हम अब इन सबको मिक्स करेंगे। हम जितना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये उतना ही अच्छा ऑमलेट बनेगा। माशाल्लाह, हमारा अंडे का मिक्सर अब रेडी है। अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक फ्राई पैन, जिसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे, या घी से, जिससे भी, या देसी घी से, जिससे भी आप चाहें उसी से ग्रीस कीजिएगा, और ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे का पेस्ट। अंडे का पेस्ट हाफ ऐड किया है मैंने, और उसके बाद हम इसको अच्छे से फैलाएँगे, क्योंकि अंडा फैल जाता है और प्याज और वो मिक्सर जो है वो ऊपर ही ठहरा रह जाता है, इसीलिए हम मटेरियल को अच्छे से इक्वल करेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढांक के रख देंगे। अब हम इसके साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह अच्छे से पकाएंगे। माशाल्लाह, पिज्जा ऑमलेट बनके रेडी है। देखिए कितना प्यारा बना है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल नॉर्मल वर्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे हम दोबारा पैन को गर्म करेंगे, घी से ग्रीस करेंगे, ये जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें ऑमलेट का पेस्ट फिर से ऐड करेंगे, इसे इक्वल करेंगे
और कुछ देर के लिए ढाम के रख देंगे पकने के लिए। अब हम इसके साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी ऐसे ही अच्छे से पकाएंगे। देखिए हमारा दूसरा ऑमलेट भी बनके रेडी है। अब इसको आप पिज़्ज़ा स्लाइस के शेप में कटिंग कीजिए और सर्व कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और आप भी ट्राई कीजिएगा और आपकी रेसिपी कैसी बनी ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप अगली रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।